हेलो दोस्तों, वायलेंस और एक्शन फिल्मों का हर कोई दीवाना है आजकल के जमाने में। यस, बात करें इंडियन सिनेमा में द बिगेस्ट वायलेंस फिल्म की तो KGF नंबर वन पर आती है। वहीं बात करें एक्शन फिल्म की तो पठान को कोई भुला नहीं सकता। लेकिन अब हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। क्यों? क्योंकि वायलेंस प्लस एक्शन का मिक्स कॉम्बो आपको देखने को मिलने वाला है। कहां पर? एनिमल मूवी में। जी हाँ, रणबीर कपूर की वन ऑफ द मोस्ट मच अवेटेड मूवी। और कल इसका जो प्री टीजर रिलीज हुआ है, भाई साहब इसने आग लगा रखी है मार्केट में। मतलब साफ पता लग रहा है मूवी में हमें क्या क्या मिलने वाला है। रणबीर भाई निराश नहीं करेंगे पब्लिक को। दोस्तों, जहां बात डायरेक्टर की आती है तो एक नाम सबसे ऊपर अपने आप आंखों में छा जाता है, यस SS राजामौली। लेकिन एक नाम अब मार्केट में जगह बनाने वाला है और डायरेक्टर के नाम पर जब फिल्म चले तो भाई मजा ही आ जाता है। लाइक RRR, पैन इंडिया से निकलकर इस फिल्म ने ओवरसीज में, वर्ल्ड वाइड में भी क्या छाप छोड़ी थी हम सब जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, संदीप रेड्डी वांगा इस बंदे ने कसम खा रखी है इंडियन सिनेमा को फुल मासी एक्शन वायलेंस फिल्मों का मतलब समझा दूंगा। और एनिमल इसकी पहली शुरुआत है। भाई साहब डायरेक्शन कल के टीजर से ही पता लग रहा है क्या अमेजिंग लेवल की करी होगी। क्योंकि कॉरिडोर फाइट सिक्वेंस सीन, वो भी पंजाबी सॉन्ग के साथ, भाई अलग ही हटकर ये कॉम्बो बनाया है। मैंने तो आज तक ऐसा किसी भी फिल्म में नहीं देखा था। लेकिन कुछ भी कहो, मजा आ गया। रणबीर कपूर जैसे वर्सिटाइल आर्टिस्ट को ये मासी स्टड लुक देना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करेगा पब्लिक और उनके बीच में। क्योंकि हम सभी RK को स्वीट चार्मिंग लवर बॉय चुलबुलेपन में देख-देखकर थक भी गए थे। दोस्तों, संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ के खर्चे में बनने वाली एनिमल मूवी को 11 अगस्त को रिलीज कराया जाना है। जी हां, उसी दिन गदर 2 को भी सेम डेट पर रिलीज करा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों फिल्में एक साथ टकराएंगी तो एक कम बिजनेस करेगी दूसरा ज्यादा। देखो, दोनों ही अपना-अपना बिजनेस करके जाएंगी। बस यह है कि लगातार थिएटर पर भीड़ जरूर उमड़ी रहेगी। दोस्तों, बता दूं तो संदीप रेड्डी वांगा ये नाम जितना भारी भरकम है, इस बंदे ने काम भी उतना ही भारी भरकम करा है। यस, कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्मों से तो हम बाखूबी रूबरू हैं। कबीर सिंह ने क्या तहलका मचा दिया था, सेम चीज ये बंदा फिर करने वाला है। भाई जब जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूं, अगर मूवी वैसी निकल गई तो KGF, पठान और RRR जैसी मूवी इसके सामने क्या बेचती है। दूसरा, हमारे पास एक्टर ऐसा जबरदस्त धांसू है जो कैरेक्टर में ऐसा घुसता है उसे अपना बना लेता है। दूसरा ये कि इस बंदे को स्टारडम फिलहाल कुछ टाइम से मिल नहीं रहा था, क्योंकि शमशेरा का हाल हम सब जानते हैं, आई और गई, पता भी नहीं लगा। हालांकि मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी थी। फिर आई ब्रह्मास्त्र, इस फिल्म ने कमाई तो करी लेकिन वो नाम वो जगह अपनी नहीं बना पाई पब्लिक के दिल में। फिर आई तू झूठी मैं मक्कार, जो सेम वाइब दे रहा था रणबीर कपूर की पुरानी फिल्मों का, लाइक अजब प्रेम की गजब कहानी और ये जवानी है दीवानी टाइप। तो भैया, एनिमल एक बिग करियर ट्विस्टर मूवी साबित हो सकती है रणबीर कपूर के दोबारा से वो नाम बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में। बाकी आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अभी तो ऑफिशियल टीजर आना बाकी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, आखिर टीजर में क्या क्या होने वाला है। आप लोग हैं या नहीं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। दूसरा, आपको ये एनिमल मूवी का प्री टीजर कैसा लगा, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।